बॉलीवुड फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव 2005 में सलमान की लेडी लव बनकर लाइमलाइट में आने वाली स्नेहा उलाल 30 साल की हो गई है। ऐश्वर्या की तरह दिखने की वजह से सलमान स्नेहा को इंडस्ट्री में लाए थे। बता दें कि स्नेहा लंबे वक्त तक ब्लड रिलेटेड बीमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित रहीं। इसकी वजह से वो ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पाती थीं। यही वजह रही कि वो लंबे वक्त तक फिल्मों से दूर रहीं। हालांकि अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। म्यूजिक वीडियो से स्नेहा ने की वापसी। डैश रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारी से उबरने के बाद स्नेहा ने रोमांटिक म्यूजिक वीडियो इश्क वाली बारिश में काम किया। इस गाने को अल्ताफ सैयद ने गाया है। वीडियो को अर्शिया खान और मोहम्मद जावेद ने प्रोड्यूस किया है। डैश म्यूजिक वीडियो में स्नेहा के साथ मुंबई बेस्ड मॉडल कैज खान ने भी काम किया है। कैज लास्ट टाइम सिंगर अमानत अली के म्यूजिक वीडियो नैना लागे में नजर आए थे। कमबैक पर ये बोली स्नेहा। फिल्मों में कमबैक को लेकर स्नेहा ने कहा, लोग जब भी मुझसे पूछते हैं कि लंबे समय से कहाँ थी, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसका मतलब है कि लोग मुझे मिस कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैं इंडस्ट्री छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि बीमारी की वजह से कुछ दिनों का ब्रेक लिया था, इसलिए कमबैक वाली बात ही नहीं है। सलमान के पास नहीं जाऊंगी काम मांगने। फिल्मों से दूर रहने के सवाल पर स्नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सलमान के पास कभी काम मांगने नहीं जाएंगी। शायद यही हुआ, स्नेहा ने ना कभी सलमान से काम मांगा और ना ही वो बॉलीवुड फिल्मों में नजर आईं। हालांकि कहती हैं सलमान बहुत अच्छे इंसान हैं। सभी मुझसे कहते हैं कि मैं काम के सिलसिले में उनसे बात करूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हमारा रिश्ता काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्नेहा के मुताबिक जब माँ को कैंसर हो गया था तो सलमान मेरे घर आए थे और हमें सांत्वना दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें डॉक्टर्स से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे लिए उनका यह सब करना फिल्म दिलाने से ज्यादा मायने रखता है। सलमान को लेकर स्नेहा कहती हैं कि सलमान मेरे लिए एक फ्रेंड और मेरे सलाहकार हैं। वो मेरे एक फोन पर सही एडवाइस देते हैं। आखिरी बार इस फिल्म में दिखी थी स्नेहा। स्नेहा आखिरी बार 2013 में आई तेलुगु फिल्म अंथनी मायालोन में दिखी थी। हालांकि स्नेहा अब जल्द ही तेलुगु फिल्म आयुष्मान भव में नजर आएंगी। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस अमाला पॉल भी हैं। फिल्म के डायरेक्टर चरण तेज हैं। दश स्नेहा के मुताबिक, मेरी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि एक एक्ट्रेस के तौर पर खड़ी नहीं उतर पा रही थी। यहाँ तक कि मुझे चलने, डांस करने और लगातार शूटिंग करने में भी काफी तकलीफ होती थी। दश इसके बाद मैंने फैसला किया कि मुझे काम से ब्रेक लेकर अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन बीमार पड़ रही थी। ऐसे हुई स्नेहा की परवरिश। स्नेहा उलाल का जन्म 18 दिसंबर 1987 मस्कट ओमान में हुआ था। हालांकि उनकी परवरिश हैदराबाद में हुई। उनकी प्राइमरी एजुकेशन इंडियन स्कूल मस्कट और इंडियन स्कूल सालाह ओमान से हुई। बाद में वे मां के साथ मुंबई आ गईं और डुरेलो कॉन्वेंट हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। वे वर्तक कॉलेज मानिकपुर महाराष्ट्र की स्टूडेंट भी रही हैं। साउथ फिल्मों में भी हैं एक्टिव। साल 2008 में तेलुगु फिल्म अलसम गत्सम से स्नेहा ने साउथ इंडस्ट्री में एंट्री ली। फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। इसके बाद किंग, वैरुदो, सिम्हा और एक्शन 3D जैसी कई फिल्मों में वे नजर आ चुकी हैं। तेलुगु के अलावा कन्नड़, बंगाली और अंग्रेजी भाषा की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। जब क्रिकेटर्स के साथ पार्टी करती दिखी स्नेहा। दरअसल ड्वेन ब्रावो 2016 में T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आए हुए थे, तभी स्नेहा ड्वेन ब्रावो और क्रिस गेल के साथ चिल करती नजर आई थी। इसकी फोटो स्नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की थी। इन फिल्मों में काम कर चुकी स्नेहा। स्नेहा ने सलमान के साथ अपनी डेब्यू फिल्म लकी 2005 में काम किया है। हालांकि इसके बाद कभी वे और सलमान एक साथ किसी दूसरी फिल्म में दिखाई नहीं दिए। बता दें कि स्नेहा लकी के बाद आर्यन 2006, जाने भी दो यारों 2007, काश मेरे होते 2009 और क्लिक 2009 जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं।